अब ऊपर से मेरी पतंग है, नीचे से हमारा अपोनेंट है, ये मैं गया और ये बस चक्कर दे रहा हूँ, चक्कर दे रहा हूँ, सीधी खींची हमने चक्कर दी और चक्कर पे ही पतंग काट दी है। ये देखो स्टॉक जितना भी आप देख रहे हो ना, सारा हमारा स्टॉक है मांझे का, और जल्दी और भी हम लेकर आएंगे और सबसे काइट फाइटिंग करेंगे जितना भी स्टॉक दिख रहा है आपको। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल गाइडर ऑफिशियल। यहाँ पे देखो आज की जो पतंग उड़ाने वाला हूँ ना, ये आप पतंग देख रहे हैं चार खाना वाली, ये वाली पतंग हम उड़ाएंगे, और जो मांझा है ये ग्रीन वाला है। और पतंग में आप देखेंगे ना तो मैंने बिच्छे भी बांध रखे, काफ़ी दिनों के बाद मौसम खुला है तो हमने सोचा कि अगर पतंग हम काटेंगे तो लपेट के भी दिखा देंगे। हमारे घर के आगे देखो एक पतंग उड़ रही है ग्रीन वाली, वो आगे से कोई बंदा उड़ा रहा है, तो सबसे पहला पेज इसी बंदे से लड़ाएंगे और फिर आपको काट के दिखाएंगे। और जब भी आप पतंग में बिच्छे बांधते हो ना तो पतंग थोड़ी सी भारी हो जाती है, थोड़ा सा वो आपको दिक्कत देगी पार होने में, लेकिन एक बार पार हो गई फिर आराम से हो जाएगी। और कल ही कल में भाई मुझे 5-6 ऑर्डर आए मांझे के, और उनका मांझा देखो आज से तैयार होना शुरू हो गया है। आज आप देख सकते हैं पूरा खुला हुआ मौसम है, तो मांझा भी तैयार होना शुरू हो गया है जिसको भी ऑर्डर देने, और लोगों ने मेरी बात मानी, उन्होंने कहा भाई अगर हमें बाद में मांझा लेना है तो हम अभी भी आपसे ले सकते हैं, जितना पुराना मांझा होगा उतना ही आपके लिए बढ़िया है, और रिजल्ट फिर आपको मिलेंगे ना पुराने मांझे से, मज़ा आ जाएगा पतंग लड़ा के आपको। और चाइना को तो ऐसे ही काट देगा, बाकी अगर आपको ऑर्डर देने तो इंस्टाग्राम में जाओ, मुझे वहाँ पर ऑर्डर दे सकते हो। अब हम लड़ाते हैं पेज और काट के दिखाते हैं इसकी पतंग। अब यहाँ पे हमारा देखो पहला पेज आ गया, चार खाना वाली मेरी पतंग है, क्लियर आपको दिख रही है, आगे से ग्रीन वाला हमारा अपोनेंट। अब क्या है ना, ये बंदा एकदम हमारे सामने से उड़ा रहा है, तो अगर मैं चाहूँ तो बहुत आराम से पेज फंसा भी सकता हूँ, तो देखते हैं पेज हम फंसा के उड़ाएंगे या खींच के। हवा बहुत तेज, ये गया, वो बंदा ही बहुत ज़्यादा चला गया, फिर मैं गया हूँ स्ट्रेट खींची उसने, बस मैंने चक्कर दी, मैंने आपसे कहा था ना वो बंदा हमारे सामने उड़ा रहा है, चक्कर दी पतंग काट दी, लपेट भी लेते, लपेट ली आ जाए बस टूट, अरे यार जो मुझे लग रहा था कि पतंग मेरी टूट सकती है और हवा थोड़ी सी तेज थी, पतंग हमारी वहाँ पर टूट गई। कोई नहीं भाई, वहाँ पर देखो आगे उस बंदे ने एक और पतंग पार करी ब्लैक कलर की, थोड़ी सी उसकी पतंग मुझे ख़राब लग रही है, राउंड है, हमने भी अपनी दूसरी पतंग पार कर रहे हैं। अब पहला वाला पेज तो मैंने काट दिया था, लेकिन आपको पता है मैं पतंग काट तो बहुत अच्छी लेता हूँ दोस्तों की, लेकिन मुझे पतंग लपेटना नहीं आता, ये बात आप लोग को ही पता होगी, इसलिए पहली पतंग मेरी लपेटने में टूट गई। अब इस वाली पतंग से हम कोशिश भी नहीं करेंगे लपेटने की, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी पतंग बेफालतू में बर्बाद हो, इतने दिन का हवा निकल के आई है, मौसम अच्छा है, तो मैं चाहता हूँ पूरे अच्छे तरीके से हम पतंग लड़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पतंग काटें। आपकी दिल्ली में कैसा मौसम है, बारिश वारिश रुकी दिल्ली में और हवा कैसी है कमेंट करके बताना, और हाँ मांझा चाहिए तो आप फिर ले ही सकते हो, बाकी लड़ाते हैं पेज दिखाते हैं। और हमेशा पतंग अपनी बराबर की करना अपोनेंट से, जितनी छोटी पतंग रहेगी ना आपकी कन्ने भी फंस सकते हैं, इसीलिए हमेशा बराबर की पतंग निकालना उससे। एक और पेज ऊपर से लड़ा रहा हूँ और नीचे से हमारा अपोनेंट है, नीचे से इसलिए दे रहा हूँ उसे क्योंकि वो हमारे आगे खड़ा है, जब भी कोई बंदा आपके आगे होगा तो उसे नीचे का ही हाथ देना, आपके लिए फ़ायदा है। वो बंदा सोच रहा है कि मैं फंसा के लड़ाऊंगा, लेकिन नहीं, फंसा के तो नहीं लड़ाऊंगा, गया, उसने भी फंसा लिया, हमने भी फंसा लिया, देखो फिर से चक्कर पे पतंग चल दी है, चक्कर 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 एकदम सीधे देने आपको, पतंग टाइट रखनी है, चक्कर दे रहा हूँ, पतंग भी टाइट है, देखने किसकी पतंग कटेगी। भाई बहुत लंबा पेज निकल रहा है, मेरी पतंग नीचे जा रही है, फिर से मुझे पतंग टाइट करनी पड़ेगी, निकल गया पेज, ना पेज है निकल गया, पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं तब भी चक्कर दे रहा हूँ। जब भी पेज फंसाई ना तो आपको पतंग के चक्कर नहीं रोकने, चक्कर हमेशा आपको देते, ये देखो काटी ना, मैंने आपसे क्या कहा, जब भी पेज आपका फंसेगा आपको कभी भी चक्कर रोकने नहीं है, जितने चक्कर दोगे उतना आप पतंग काटोगे। फिलहाल हमने वाली पतंग काट दी थी, अब हमें थोड़ा सा मांझे की शॉपिंग करनी है, तो हम जा रहे हैं काइट शॉप पे, और जो आप आगे की वीडियो देखोगे ना वो कंटिन्यू होगी काइट शॉप से। चलो भाई मांझे दिखाते हैं आपको कुछ। अब भाई हमारा प्लान तो था कि पतंग पतंग लड़ाएंगे, हवा अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे भी हमें आना था, थोड़ी सी ये भी वीडियो कवर करनी थी, यहाँ पे इनका कुछ नया स्टॉक आया है तो हमने सोचा कवर करते, आप लोग को भी दिखाएंगे और हमें भी कुछ मांझा चाहिए, टेस्टिंग वेस्टिंग करेंगे जल्दी लड़ा के। अब रखा है मांझा, तो यहाँ पे थोड़ी बात आपको रैक खत्म वो खाली दिख रही होंगी, वो इसलिए क्योंकि सारा माल बाहर निकल चुका है और अभी बारिश भी हो रही है, तो माल इस समय बन नहीं रहा है बरेली में ज़्यादा, रोज़ ही बारिश हो जा रही है, तब भी जितना स्टॉक है यहाँ पर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, रेट वेट भी बता दूंगा। और यहाँ पे क्या क्या 1-2-3 पांडा अंडा सब मिलेगा, 1-2-3 पांडा, अच्छा, और 4-6 तो सारे मांझे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो शुरू करते हैं यहाँ से, देखो भाई कौन सा मांझा है, ये है एक रील पांडा, अच्छा एक रील पांडा है,
तो ये सब सेम ही है ना, और सब सेम कलर के अलग अलग है? अच्छा, सब में अलग अलग है। अच्छा, और फाइबर की चाहिए तो इसे खोल के दिखा दो, कितने का पड़ेगा? तो ये देखो, ये रही मांझे की क्वालिटी। बाकी जब आप शॉप में विजिट करोगे ना, तभी आप अपने हाथ से देख लेना कैसा मांझा कैसा नहीं। काफ़ी वैरायटी है, जो आपको पसंद आए वो आप ले सकते हो। तो सबसे पहला मांझा है ये वाला, क्या नाम है भाई इसका? ये C28। बाकी और दिखाते हैं, और जो इधर रखी है ये कौन सी है? जो लगी हुई सब छह तार में। अच्छा, छह तार में। ये गंदी या बंटू थी। अच्छा, और नीचे वाला जो है चार तार का, नीचे वाला चार तार में। ये किसका? ये भी आपको मैदान के मांझे। अच्छा, मैदान के मांझे। और ये क्या रेट पड़ रहे हैं? ये मैदान के मांझे जो है, ये क्या नाम है, चार तार पे आपको पड़ेंगे 650 रुपए चलेंगे। अच्छा, रील में ना जी। तो ये सब अपने ही ब्रांड है? अच्छा, सब कारीगर के अलग अलग है। तो ये तो आपको दिखा दिया, ये वाला दिखाते हैं C28। अब कौन सा मांझा दिखाते हैं? तो चलते हैं और अंदर। और ये भी पाना है क्रिस्टल का। क्रिस्टल का ये इसका नाम क्या है? ये क्रिस्टल जल गया। अच्छा, ये ऊपर। अच्छा, इसका नाम ही है ये पन्नी हटाओ तो पता चलेगा। तो ये मान जा रहा। और ये कितने वाला है? ये 180 की है। 180 की। ये देखो पांडा 5 भी जिसे कहते हैं ना, पांडा 5 भी लिखा है। तो ये आपको 180 का पड़ जाएगा। और ये देखिए सीढ़ी चल गई थी। अच्छा, चरखी काफ़ी बढ़िया इसकी। और ये भी आपको बता दें कितने वाली? 180 रुपये की आपको पड़ जाएगी। अच्छा, एक रील में 12 तार। अच्छा, वो सब अलग अलग तार है ना, वो पहले दिखा कितने तार था? वो 6 तार था। ये था 12, ये है 12 तार। और इसका रेट बता दो आप। 190 रुपये। ये खोल के दिखाते हैं। अच्छा, वैसे अगर कोई एक आध चरखी लेने आता तो अलग रेट पड़ेगा थोड़ा? अगर चरखी लेने आया 10-20 रुपये डिफरेंस आएगा। अच्छा, 10-20 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। ये मत कहना वीडियो में ये बताया था ये मिल रहा है। तो पहले बता दिया होलसेल का अलग है और रिटेल का अलग है। मांझा काफ़ी बढ़िया लग रहा भाई, लेकिन यह कि आप छोटी पतंगों के लिए से यूज नहीं कर सकते। अगर आप बड़ी पतंग उड़ाते हो तो ही आप ये 12 तार लेना, वरना आप अपना वही लेना जो 6 तार या 1-2-3 आता है। ये पूरी जो रैक भरी है ये कितने वाली? ये सब 6 रील में है ना? ये तो 6 रील में रखी है। ऊपर लिखा भी है चरखी। आप जब भी लो, किसी की भी शॉप से लो, तो एक बार बाहर देख लेना क्या लिखा है। जो चरखी है उतना ही आपको मांझा मिलना चाहिए। तो 6 रील की चरखी, उसमें लिखा भी है 6 रील पूरा ऊपर तक भरा है। और ये सब थे एक एक रील के जी। अब और कुछ दिखाते हैं। सब वैरायटी लगी चरखियों की। अच्छा, चरखियों की और भी वैरायटी है। पतंग वतंग भी है इस समय? पतंग बाहर होंगी। पतंग बाहर दिखा दी भाई। हाँ, स्टॉक वाली बात है तो स्टॉक ऊपर दिखा देंगे। अच्छा, ऊपर भी है तो अभी ऊपर भी चल के स्टॉक दिखा देंगे। बाकी ये भी वही सेम चरखियाँ ना? सब सेम है। 12 तार, बस 12 तार। वो तार अलग अलग चरखियाँ, ये सब बड़ी चरखियाँ हुई हैं। अच्छा, बड़ी में है तो मतलब ये ज़्यादा रील होगा ना थोड़ा? इसमें 2 रील 3 रील। अच्छा, वो 1 रील की दिखाई थी, सब 2-2 3-3 रील की आपको मिल जाएंगी। ये सब ऊपर डोर लगी हुई है, ये देख लो आप। और जो ये रखें ये सब डोर है जिससे मांझा तैयार होता है। तो यही थी आज की वीडियो भाई। थोड़ा सा काइट फाइटिंग भी करी, थोड़ा सा हमने शॉप भी कवर कर ली, दोनों चीज़ एक ही वीडियो में हमने कवर कर दी थी। बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, वीडियो आपको मिल जाएगी।